एक बड़ी कोताही ये होती है कि सोना मौजूद है लेकिन पता नहीं मालिक कौन है। एक तो वो सोना है जो बच्ची घर से अम्मा के घर से लेके आई, जहर है उसकी तो मिल्कियत है। एक वो सोना है जो लड़के वालों ने उसे दिया और चढ़ाया, अब ये मिल्कियत किसकी है? अब किसी को नहीं पता होता। न बीवी ज़कात दे रही होती है न शोहर अदा कर। फिर एक वक्त आता लड़ाई होती है, वो कहता मैं मालिक, वो कहता मैं मालिक। जब तक ज़कात देनी है कोई जरूरत महसूस नहीं करता कि तय कर लिया जाए कि मालिक है कौन। जिंदगी गुजर रही है और जब तक ज़कात नहीं देता इसका माल गंदा होता है, इसके जेवरात में नहुसत होती है, इसकी मालियत में गंदगी आ जाती है। ज़कात है ही इसलिए कि ताकि उसे पाक कर दे। बर्बादी आएगी, नुकसान हो जाएगा, उलझनों में पैसा लग जाएगा, जाया हो जाएगा, गंदा जो है। जिंदगी गुजर रही होती है, मिल्कियत पता नहीं होती। पता होना चाहिए कि ये जो बच्ची के पास, औरत के पास सोना जेवरात है, इसका मालिक कौन है? अगर वो मिल्कियत बीवी के पास है तो ज़कात बीवी पे फर्ज है, उसकी ज़कात बीवी को देनी होगी। शोहर के जिम्मे फर्ज नहीं, दे देगा एहसान करेगा, लेकिन देते हुए ये बताना होगा, बगैर बताए ज़कात कोई नहीं अदा होगी, इसलिए कि हर एज का फरीजा अलग है। और अगर वो मिल्कियत शोहर की है, जितना सोना शोहर की मिल्कियत में है तो वो ज़कात देगा उसको, लेकिन अगर बीवी की मिल्कियत है फिर उसे इख्तियार है, फिर उसे शोहर से पूछने की जरूरत नहीं, जिसको चाहे दे दे, जहां चाहे खर्च कर दे, जहां चाहे उसको इस्तेमाल कर दे, उसकी मिल्कियत है। और अपनी मिल्कियत में उसे यह हक हासिल है। भाई फर्ज है, कोई नफल तो है नहीं, फरीजा है इस्लाम का और इस्लाम के बुनियादी अरकान में से है। काफिर फरमाया ज़कात अदा नहीं करता, मुशरिक नमाज नहीं पढ़ता, मुसलमान तो ज़कात भी देता है नमाज भी पढ़ता है। तो एक तबका ये तो जानता है कि ज़कात का फरीजा है, लेकिन ला इल्मी और जहालत है। जिंदगी गुजर रही होती है, ज़कात का फरीजा सही अदा नहीं हो रहा और उसकी नहुसत होती है, कि इतनी सुराखें खुल जाती हैं जहां माल जाता है पता ही नहीं लगता। और जब माल से अल्लाह का हक अदा हो और अल्लाह के बंदों का हक अदा हो और ज़कात की इबादत अदा हो तो अल्लाह उस माल की हिफाजत भी फरमाते हैं, महफूज भी फरमा देते हैं, वो सुराखें सारी बंद कर देते हैं जहां ये माल जाया हो रहा था। और बरकत इतनी हो जाती है, जो काम हजारों में हो रहा होता था वो सैकड़ों में हो जाता है। पाक जो हो गया, साफ जो हो गया, मुबारक जो हो गया, इसमें से अल्लाह का हक जो अदा हो गया,